वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज की जर्नी कुछ अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर और मेरी लाइफ की मैं फ़र्स्ट फ्लाइट में लेने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट से जर्नी करने वाला हूँ और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और जो भी प्रोसेस होगी, जो भी स्टेप होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप भी कभी अगर फर्स्ट टाइम आओ तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कैसे आपको ट्रैवल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम में करने वाला हूँ, तो जैसा मैं फील करूँगा वैसा आप भी करेंगे। सो लाइफ की फ़र्स्ट फ्लाइट जर्नी है मेरी, देखते हैं कैसी रहती है। दिल्ली टू जयपुर की मेरी फ़्लाइट जर्नी है। एयरपोर्ट पे आने से पहले सबसे पहले आपको फ़्लाइट टिकट बुक करवानी पड़ेगी। फ़्लाइट टिकट बुक करवाने के बाद में आपको एयरपोर्ट पे दो चीज़ लानी है, एक तो जो फ़्लाइट टिकट आपने बुक करवाई है उसका प्रिंट आउट और मोबाइल में, और इसके साथ में एक आईडी होनी चाहिए कम से कम, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो। सो ये आईडी में से कोई एक होनी चाहिए जिसमें आपका नाम मेंशन हो, जो टिकट में आपके नाम है वो उस आईडी में भी नाम होना चाहिए। सो एक टिकट का प्रिंट आउट और एक आईडी। सो एंट्री के टाइम पर ये दो चीज़ें मांगी जाती है, तब आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिलती है। अभी मैं बताऊँगा एयरपोर्ट में किस तरह से एंट्री होती है सारी प्रोसेस। सो अभी मैं एयरपोर्ट में एंट्री करने वाला हूँ, देखते हैं क्या क्या चेकिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सारा बता दूँ। एयरपोर्ट का अंदर का व्यू कुछ। सो फाइनली एयरपोर्ट में एंटर कर चुका हूँ, ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है एयरपोर्ट में। और ये एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं पीछे मैंने शर्ट चेंज कर ली है और टी शर्ट पहन ली है। सो अभी मैं जा रहा हूँ ऐप ब्लॉग पे, इंफॉर्मेशन सेंटर पे पता चला है कि मेरा जो एयरलाइंस एयर का एक काउंटर है वो ऐप ब्लॉग पे है, और मैं ऐप ब्लॉग पे अभी हूँ ABCD। सो ये है एफ ब्लॉक, ये मिल चुका है, एफ ब्लॉक मेरे पीछे है, और यहाँ पर मुझे बोर्डिंग पास लेना है। बोर्डिंग पास से ही आपको फ़्लाइट में एंट्री मिलती है, इसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलती। मैं भी बोर्डिंग पास लेने वाला हूँ एयरलाइंस एयर एयरलाइंस की फ़्लाइट है। बोर्डिंग पास ले लिया है मैंने एयरलाइंस एयर एयरलाइंस से, और 7:40 पे फ्लाइट है। तो भी सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है, अभी सिक्योरिटी चेक में बताता हूँ, सामने ही है मेरे। सो गाइस ये है डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए, यहाँ से होता है सिक्योरिटी चेक, और वहाँ सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है इंटरनेशनल डिपार्चर, यहाँ का सिक्योरिटी चेक यहाँ पे होता है। ये है डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, अगर आप इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहे हो तो आपको यहाँ से सिक्योरिटी चेक होगा, वो आपको तब होगा जब आप एंट्री करोगे एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे एंट्री करने के बाद उसके बाद आप बोर्डिंग पास लेते हो, उसके बाद में आपका ये सिक्योरिटी चेक होता है, और उसके बाद फिर आपका बोर्डिंग होती है। सो बस यही प्रोसेस होती है, बाकी और मैं आगे बताता हूँ क्या क्या होता है। सो गाइस ये चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड है, ये आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते, जिसमें लिखा हुआ है ये चीज़ें। सो गाइस ये है सिक्योरिटी एरिया, यहाँ सिक्योरिटी चेक होगा, सिक्योरिटी जांच होगी, इसके बाद आगे जाने देंगे। तो गाइस सिक्योरिटी चेक हो चुका है अच्छे से, पूरे सामान रखवा लिए थे ट्रे के अंदर, और काफ़ी अच्छे से इजीली हो गया सिक्योरिटी चेक। डोमेस्टिक फ्लाइट थी तो इसलिए इसने कुछ ज़्यादा चेक नहीं किया, बट बेल्ट भी उतरवाया सारा। मैं बता दूँगा अभी एक जगह बैठ कर कि कैसे हुआ सिक्योरिटी चेक। अभी मुझे बोर्डिंग पास में गेट नंबर 42 पे जाना है, तो मैं जा रहा हूँ अभी गेट नंबर 42 पे,
बोर्डिंग पास में गेट नंबर दिया हुआ है और वहाँ पे वहाँ से होगी बोर्डिंग। तो उस गेट के पास में फिर वेटिंग एरिया बना हुआ है, आराम से वेट करूँ। सो गाइस, जैसे ही आप सिक्योरिटी एरिया क्लियर करते हो उसके बाद में फिर यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं आप। शॉप्स वगैरह बनी हुई है यहाँ पे, रेस्टोरेंट है, कैफे है। सो उसके बाद जो कहता है ना एयरपोर्ट पे जो ड्यूटी फ्री जो शॉप्स होती है जहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, वो यहाँ पे सारी बनी हुई आपको मिल जाएगी इस तरीके से। ये एयरपोर्ट है सिक्योरिटी चेक के बाद में। और अब मुझे जाना है यहाँ से, ये गेट नंबर 27 to 62। अभी तो बहुत आगे जाना है गाइस, क्योंकि 42 गेट है मेरा। और ये सारी देखो WH स्मिथ की शॉप्स, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, कैफे है, ये जितनी भी शॉप्स है, जितने भी स्टोर है, वो सभी आपको सिक्योरिटी चेक के बाद ही मिलते हैं। सो गाइस, एक तरफ है 27 से 36 वाला और मेरे को इधर जाना है 37 to 62। और यहाँ बीच में आपको यू मिलेगा, ये ये इस तरीके से बनाया हुआ है। ये एयरपोर्ट का अंदर है, शॉपिंग एरिया कह लो इसे। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ये जर्नी मेरे लिए सबसे बेस्ट होने वाली है और फर्स्ट टाइम का ट्रेवल करने का मज़ा ही अलग है। थोड़ा सा आप, क्योंकि थोड़े से आप डरे हुए होते हो, थोड़े से आप अनट्रेन होते हो, इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। सो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये भी मिलती है अगर आप फिजिकल एबल्ड जो होते हैं, स्पेशल नीड जो होते हैं दिव्यांग, उनके लिए होती है। सो ये वेटिंग एरिया है, 37 वालों के लिए। इसी तरीके का अपने लिए भी होगा, 42 वालों के लिए भी इस तरह से वेटिंग एरिया है। इस तरीके से ये सारा शॉपिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो गाइस, ये इस तरीके की ये है जहाँ से आप पैसे डाल के आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं, मशीन से आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। गेट नंबर 41, ये है गेट नंबर 41 का वेटिंग एरिया, और इसके बाद आएगा 42 अपना। ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे यहाँ वेट करते हैं। और ये जो आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, ये यहाँ से होते हुए और यहाँ जाते हुए और ये नीचे जाके और यहाँ पे ये जो गेट जा रहा है, यहाँ पे यहाँ से ये फ्लाइट, इस गेट पे जाके फ्लाइट का वो लगता है गेट, और यहाँ से एंट्री होती है अंदर ही, इसके अंदर अंदर एंट्री होती है। बताता हूँ कि प्रोसेस क्या क्या हुआ है सारा। अब सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस लास्ट की स्टेप रह गई है कि बस मुझे बोर्ड करना है। अब फ्लाइट काउंटर पे पता चला है, वहाँ के ऑफिसर से, एयरलाइंस के ऑफिसर ने बताया है बोर्डिंग पास देते हुए कि आपकी फ़्लाइट 7:40 पे टेक ऑफ हो जाएगी और 6:40 पे, यानी एक घंटे पहले आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप फ्लाइट। मैं अभी जा रहा हूँ नीचे अपने काउंटर पे। जयपुर को जाने वाली एयरलाइंस एयर की उड़ान 6:43 के यात्रियों, इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद। Oh, 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 oh
बस है, इस तरीके की बस आएगी हमें लेने। तो गाइस ये बस हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके की बस जो आती है, ये बसेस पैसेंजर्स को लेके जाती है उस पॉइंट पे जहाँ पे फ्लाइट खड़ी होती है, फिर वहाँ पे बोर्ड करते हैं पैसेंजर्स। सो गाइस ये वो एरिया था अलायंस एयर का जहाँ पर मैं वेट कर रहा था काफ़ी टाइम तक, जब तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ वेट करने के बाद में फिर यहाँ पे हमारा बोर्डिंग हुई, और यहाँ पे बोर्डिंग पास दिखाकर और उसके बाद फिर इस बस में बैठ गए। अब ये बस हमें लेके जाएगी इस फ्लाइट तक, जो फ्लाइट जाने वाली है जयपुर। निकासों पर रुकावट से बचने के लिए कृपया अपना सारा सामान सीटों पर छोड़ दें। सो फाइनली जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और ये है सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। सो ये जो मेरे पीछे है सांगानेर एयरपोर्ट, और जिसे कहते हैं जयपुर एयरपोर्ट, ये मेरे पीछे है। सो गाइस ये है लगेज एरिया, यहाँ से लगेज आएंगे, ये सभी वेट कर रहे हैं अपने लगेज का, यहाँ पे लगेज आने वाले हैं थोड़ी देर में। सो जर्नी काफ़ी अच्छी हुई,
फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेवल किया था, काफ़ी अच्छा लगा। अभी टाइम हो रहा है 8:35, 8:30 फ्लाइट ने हमें सांगानेर एयरपोर्ट को उतार दिया, जयपुर एयरपोर्ट कहते हैं। गेट से आगे मैं एग्ज़िट करूँगा। काफ़ी अच्छा है जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली के मुकाबले थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है, काफ़ी सही है। सो गाइस, ये लगेज लेने जा रहे हैं, अपने लगेज आ चुके हैं इनके, और सांगानेर एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन ठीक है, बढ़िया लग रहा है काफ़ी। ऊपर इस तरह से लाइटिंग और इस तरीके से ये सही लग रहा है काफ़ी। सही है जो एरिया, और ये यहाँ पे ये कैफ़े स्टारबक्स। जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ। सो ये एयरपोर्ट के बाहर का व्यू है, ये है जयपुर एयरपोर्ट, ये यहाँ से मैं एग्ज़िट किया हूँ अभी। ये देखिए एयर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, तो इस तरीके से ये सभी एयरलाइंस के काउंटर आपको मिलेंगे। यहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा और उसके बाद फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। लाइफ की फ़र्स्ट फ्लाइट मैंने ली दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट से, बाहर आ चुका हूँ, ये बाहर का है। सो फाइनली दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट जर्नी, मेरी फर्स्ट फ्लाइट जर्नी पूरी हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और देखते हैं अब आगे की। मैं अब घर जा रहा हूँ, यहाँ से ओला उबर कैब करके मैं सीधा घर निकलता हूँ। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, पधारो हमारे देश।